का ही रहने दो ही, और वॉन्ट्स की जगह क्या लग जाएगा वॉन्टेड, और टू कम और नाउ की जगह लगाएंगे हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डियर सर। और आज हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ नरेशन को सबसे आसान तरीके से सीखने के लिए। अभी तक अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे प्रेस करके उसको भी देख लीजिए और बेसिक्स को समझ लीजिए कि नरेशन होती क्या है और उसमें और बेसिक पार्ट्स क्या है। अच्छा, अभी हम बात करेंगे आज इस वीडियो में कुछ ऐसे वर्ड्स की जो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त पता होने ही चाहिए। ये वर्ड्स वो हैं जो आपके डायरेक्ट स्पीच में आएंगे और इनडायरेक्ट में बदलते वक्त आपको इनको चेंज करना होगा। ये वर्ड आप चाहे कहीं लिख लो, याद कर लो और घोल के पी जाओ, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन बनता है तो थोड़े से ये वर्ड जरूर उसमें डाले ही जाते हैं ताकि क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया जाए। तो इन वर्ड्स को अभी जल्दी से हम समझ लेते हैं। आइए देखते हैं क्या है वो वर्ड्स। तो पहला वर्ड है हमारा विल। अगर आपके क्वेश्चन में विल आता है, यानी रिपोर्टेड स्पीच में विल का इस्तेमाल होता है, तो आप उसको बदलोगे वुड के अंदर। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर डायरेक्ट स्पीच है कि आई विल कम टूडे, तो उसको हम बदल देंगे ही वुड, विल का बन जाएगा वुड कम टूडे। अब टूडे भी क्या बदल सकते हैं, हां टूडे भी तो क्या लिखा है, ये रहा टूडे। टूडे को किसमें बदलोगे, दैट डे में, तो आप बोलोगे ही वुड कम दैट डे। इसी तरह नाउ का बन जाएगा देन, जो कि हमने हमारे पहले पार्ट के लास्ट में सेंटेंस किया था कि ही वॉन्ट्स टू कम नाउ, तो अब उसको बदल देंगे क्या, ही वॉन्टेड टू कम देन। तो याद रखने ये वर्ड्स आएंगे जरूर, इनसे बाहर आपके एग्जाम में या कहीं भी पूछा नहीं जाने वाला है। तो आप इन वर्ड्स को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं नरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वर्ड्स आपको पता होने ही चाहिए कि अगर डायरेक्ट स्पीच में ये वर्ड्स हैं तो आप इनको चेंज करके ये चेंज इस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में लिख दोगे। तो ये बहुत क्लियर रखो अपने माइंड में। आगे बढ़ जाते हैं, हेयर का हो जाएगा, हेयर मतलब क्या होता है, यहां हेयर का हो जाएगा देयर, यानी वहां। दिस का हो जाएगा दैट। अच्छा, देयर की स्पेलिंग देख लें, टी एच ई आर ई वाला है, इसमें मिस्टेक नहीं करनी। दिस का दैट, दीज का हो जाएगा दोज, टूडे यानी आज, उसका हो जाएगा दैट डे। टुनाइट का हो जाएगा दैट नाइट, लास्ट नाइट का हो जाएगा द प्रीवियस नाइट, और यस्टरडे यानी बीता हुआ कल का हो जाएगा द प्रीवियस डे। प्रीवियस मतलब होता है पिछला दिन, तो बहुत आसानी से याद रख सकते हो कि यस्टरडे यानी बीता हुआ कल था, उसको ही हमने क्या कह दिया, पिछला दिन। ओके, आगे उधर की तरफ देख लेते हैं, टुमारो, टुमारो मतलब यानी आने वाला दिन, उसको कर देंगे हम द नेक्स्ट डे यानी अगला दिन, फॉलोइंग डे। लास्ट वीक को बदलेंगे द प्रीवियस वीक में, और नेक्स्ट वीक को बदलेंगे द फॉलोइंग वीक में, और लास्ट मंथ को करेंगे द प्रीवियस मंथ। यहां ये चीज आप इजीली लर्न कर सकते हो कि लास्ट, यहां भी लास्ट है यहां भी लास्ट, और दोनों को बदला किसमें, प्रीवियस में, तो ये कोरिलेट कर सकते हो, आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ को हम करेंगे अ मंथ आफ्टर में। तो ये सारे वर्ड्स कम से कम आपको पता होने ही चाहिए जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हो। अभी हम देखने वाले हैं कि कौन से टेंस हमें किस तरह अब चेंज करने हैं। एक डाउट है जो आप सभी को आता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में, वो डाउट ये होता है कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है यानी ही सैड, उसके बाद जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं, ही सैड को जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम लिख देते हैं ही सैड दैट। अब कहीं कहीं आपने देखा होगा टोल्ड हो जाता है, सैड का टोल्ड हो जाता है। बच्चों ने पूछा भी था, आप दोस्तों ने मुझसे पूछा भी था, कमेंट्स में पूछा था, इसलिए मैं आपको आज बता देता हूं, ये डाउट क्लियर करते हैं। जब भी अगर आपके साथ हो ही सैड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट हो जिससे कहा जाए, जैसे यहां हो ही सैड टू मी, अगर यहां पर आता है ही सैड टू मी, तो अब इस केस में आप सैड को बदल दोगे टोल्ड में। अब वहां क्या लिखोगे, ही टोल्ड मी दैट। याद रखना, अगर ये ऑब्जेक्ट है तब टोल्ड में बदला जाएगा, अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है मी वाला तो टोल्ड में नहीं बदलेंगे। तो ये तो बात थी जो हमें कंफ्यूज कर रही थी, जो अब हमें कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम टेंसेज वाइज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। पहला तो हमने पढ़ ही रखा है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो ना तो बदल दो किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, यानी प्रेजेंट से टेंस बदल दो पास्ट में, टाइप वही रहेगा, ये भी इंडेफिनिट है वो भी इंडेफिनिट है। एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, ही सैड, उसने कहा आई वॉन्ट टू गो नाउ,
मैं अभी जाना चाहता हूं. तो रिपोर्टिंग स्पीच हमारी कौन सी है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट में. तो हमने क्या करा? ही सैड दैट. अच्छा, टोल्ड में नहीं बदला क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था. ही सैड दैट और फिर क्या करा? ही वॉन्टेड. अच्छा, आई की जगह ही क्यों लगाया? क्योंकि हमें पता है कि उसने कहा वह जाना चाहता था, ना कि मैं. ओके, तो आई का हमने चेंज किसमें कर दिया? ही में चेंज करा. और पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट. तो ये बन गया ही सेड दैट ही वॉन्टेड टू गो. और जो अभी हमने रूल पढ़े हैं वो वाली बात भी आ गई. नाउ, नाउ का क्या बदल जाता है? देन हो जाता है. तो नाउ को हमने किसमें कर दिया? देन में कर दिया. पूरा सेंटेंस क्या बन गया? ही सेड दैट ही वॉन्टेड टू गो देन. और ये हमारा करेक्ट आंसर है. आते हैं नेक्स्ट पे. प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर टेंस हो, अगर जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो किसमें हो? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी काम प्रेजेंट में हो और वो चल रहा हो, तो उसमें हम क्या करेंगे? काम को चलते रहने देंगे, बस उसका टेंस बदल देंगे. तो उसको हम क्या कर देंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कर देंगे पास्ट कंटिन्यूअस. जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट किया, ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस कर देंगे. देखते हैं एग्जांपल. शी सैड, उसने कहा I am going today. मैं आज जा रही हूं. तो देखते ही पता चलिए कि टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. बदलेंगे. सबसे पहले वही काम किया हमने, शी सेड का शी सेड लिख दिया. यहां पे कोई मी यू नहीं था, यानी ऑब्जेक्ट नहीं था जिससे ये बात कही गई, तो इसलिए हमने टोल्ड में नहीं बदला. शी सेड और कॉमाज हटा के इन्वर्टेड कॉमाज हमने दैट कर दिया. और आगे अब बदलेंगे इसको पास्ट कंटिन्यूअस में. आई का हमने बदला शी. क्यों किया जी? आपको पता ही है, क्योंकि यहां शी था, लड़की ने कहा था, आई मैंने नहीं कहा था. तो उसने कहा वह जा रही थी, वह आज जा रही थी, तो दैट लगाया, फिर शी कर दिया. और वॉज गोइंग दैट डे. टूडे का हमने क्या बदला? दैट डे. क्लियर. आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टेंस की तरफ. अगला टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट. अब वही सीरीज चलेगी, सीक्वेंस के टेंस बदलते चले जाओ. प्रेजेंट परफेक्ट है तो किसमें बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट में. प्रेजेंट परफेक्ट को हमने बदला पास्ट परफेक्ट में. प्रेजेंट परफेक्ट, आप एग्जांपल देख लीजिए. माय फादर सैड, मेरे पिताजी ने कहा. क्या कहा? आई हैव कम, मैं आ चुका हूं. तो अब इसको हम बोलेंगे कि मेरे पिताजी ने कहा वह आ चुके थे. बदलते हैं इसको. माय फादर सैड, इन्वर्टेड कॉमाज हटाया, दैट लिखा, और उसके बाद क्या कर दिया? पास्ट परफेक्ट में कर दिया. पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड और वर्ब की फॉर्म लगती है थर्ड. तो इसका आंसर क्या बना? माय फादर सैड दैट ही हैड कम. नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. कि काम किसमें हो रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. उसको हम बदल लेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको. दे सैड, उन्होंने कहा. दे का इस्तेमाल कहां होता है? या तो एक से ज्यादा कोई लड़का हो, या एक से ज्यादा कोई लड़कियां हो, या दोनों का मिक्सचर हो लेकिन एक से ज्यादा, यानी मैं कह सकता हूं ही और शी के प्लूरल को हम कहते हैं दे. तो उन्होंने कहा, क्या कहा? वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग. हम काम कर रहे हैं सुबह से. अब इसको बदल देंगे किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. कुछ नहीं करना. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फर्क ही सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का होता है, यानी हैज बीन हैव बीन की जगह हैड बीन में बदला जाता है. पूरा एग्जांपल देखते हैं. दे सैड, दे सैड का दे सैड ही रहेगा. इन्वर्टेड कॉमास को हटाया, दैट लिखा. अब यहां पे वी था, वी की जगह हमने क्या कर दिया? दे कर दिया. क्यों कर दिया? समझते हैं? हमें पता ही है कि वी हमने नहीं कहा, उन्होंने कहा था. उन्होंने कहा वह सुबह से काम कर रहे थे. इसको ऐसे समझते हैं, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं? कर तो हम चुगली ही रहे हैं कि हम एक की बात दूसरे तक पहुंचा रहे हैं. तो हमने क्या करा? दे और हेल्पिंग वर्ब हैड बीन हुई. वर्किंग सिंस मॉर्निंग, और वो मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग से वो काम कर रहे हैं. तो ये तो वो टेंसेस थे जो इजीली प्रेजेंट से पास्ट हो जाते हैं. अब वो वाले टेंस देखो जो ऑलरेडी पास्ट में थे, उनका क्या होगा? आइए देखते हैं. दोस्तों, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, ये बात मैं जानता हूं, और आप समझ चुके होंगे कि अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में होती है तो उसको हम बदल देते हैं पास्ट टेंस में. ये बात बहुत ही क्लियर है, ये हम समझ भी चुके हैं. लेकिन अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच ऑलरेडी ही पास्ट टेंस में हो, हां जी, अगर ऑलरेडी हमारी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में हो, फिर क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में हम ये करेंगे क्या कि पास्ट इंडेफिनिट अगर होगी तो बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में.
कैसे एग्जाम्पल समझते हैं. माई मदर सैड, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा. क्या कहा? आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गई. यानी कौन दिल्ली गया? मेरी मम्मी दिल्ली गई. तो अब पढ़ते हैं इसको. माई मदर सैड तो ठीक है, दैट लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमास हटा देंगे और इनडेफिनेट से किसमें बदलना है? परफेक्ट में बदलना है. तो करेंगे आई का क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा, क्योंकि मेरी मम्मी क्या है? एक महिला है, महिला के लिए शी वर्ड यूज होता है. तो ये हो जाएगा शी. और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? पास्ट परफेक्ट की हैड होती है. वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? ये तो थी सेकंड फॉर्म, यहां हम लगा देंगे थर्ड फॉर्म. यही तो रूल होता है पास्ट परफेक्ट का. तो शी हैड गॉन टू दिल्ली, हमारा आंसर बनेगा ये. माई मदर सेड दैट शी हैड गॉन टू दिल्ली. बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है कि अगर ऑलरेडी ही पास्ट में हो तो पास्ट में क्या करना है? थोड़ा और आगे बढ़ जाना है. पास्ट इंडेफिनेट है तो पास्ट परफेक्ट में. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. पास्ट कंटिन्यूअस हो तो क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा. जी हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे करेंगे? एग्जांपल से समझते हैं. दे सैड, उन्होंने कहा. क्या कहा? वी वर कमिंग, हम आ रहे थे. क्या हो गया ये? वी वर कमिंग से हम समझ गए कि कौन सा टेंस है. ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस. अच्छा, पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो किसमें बदल देंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे. तो दे सैड आ गया, इन्वर्टेड कॉमास हटा, क्या लगाया? दैट लगा दिया. अब आई क्या करेंगे? वी की जगह हम क्या लगाएंगे? दे लगाएंगे. ये आंसर अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि दे क्यों लगाएंगे. क्योंकि वे आ रहे थे. वो क्या? वे आ रहे थे, हम नहीं आ रहे थे. दे और हैड बीन कमिंग, यहां पे वर था. वर की हेल्पिंग वर्ब चेंज होकर किसकी हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी? पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब की जगह लग जाएगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब. तो आंसर क्या हो जाएगा? दे सेड दैट दे हैड बीन कमिंग. और ये हमारा फाइनल आंसर. आगे बढ़ते हैं. अगर पास्ट परफेक्ट हो फिर क्या करेंगे? अगर मेरी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में है, उसको मैं कैसे चेंज करूंगा? करते हैं उसको भी चेंज. उसको चेंज, अरे ये तो पास्ट परफेक्ट ही लिखा हुआ है, क्या ऐसा ही रहेगा? कुछ भूल गया आप लिखना? नहीं सर, मैं भूला नहीं हूं. यही होगा. क्या होगा? अगर पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, यानी नो चेंज. बड़ा वाला नो चेंज हो जाएगा. इसमें कोई भी हम बदलाव नहीं करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा. ओके, एग्जांपल देख लेते हैं. ही सैड आई हैड डन माई वर्क. उसने कहा, ही कोई लड़का था, उसने कहा आई हैड डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका था. इसको बोलेंगे ही सैड, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगाया, ही हैड डन हिज वर्क. यानी कोई चेंज हमने टेंस में नहीं किया. हाँ, माई वर्क की जगह मैंने क्या लगाया? हिज वर्क. सर ये क्यों किया आपने? जी इसलिए किया क्योंकि माय वर्क मेरा काम. मेरा काम नहीं था वो किसका काम है? उसका काम. मैं क्या कर रहा हूं यहां पे? चुगली कर रहा हूं, बैक बाइटिंग कर रहा हूं, उसकी बात बता रहा हूं. तो मैंने कहा, उसने मुझसे कहा था कि उसने अपना काम कर लिया था, यानी उसने उसका काम कर लिया था. तो ये सारे चेंजेस थे टेंसेस से रिलेटेड. कि टेंसेस में अगर आपके कोई प्रेजेंट हो तो कैसे बदलेंगे, पास्ट हो तो कैसे बदलेंगे. साथ में कुछ ऐसे वर्ड्स भी हमने देख लिए कि जो हमें बदलने ही हैं विदाउट एनी डाउट. अब अगली वीडियो में बच्चों हम बात करने वाले हैं एडवांस वर्जन की, यानी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, थोड़े से टफ जो हमारी डायरेक्ट स्पीच होगी उसको कैसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे, और उसको हम करेंगे सम अप. क्या आप उस वीडियो के लिए तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि हम इस पे एडवांस वीडियो भी बनाएं? कमेंट करके जरूर बताइए. और ये टॉपिक मैंने आपको बहुत ही मन से पढ़ाया है. मेरी कोशिश ये थी कि हम लोग आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराएं जो आपको नरेशन बिल्कुल ईजी लगने लगे. लेकिन अगर अब भी आपको कोई भी टॉपिक में कैसा भी डाउट है, कमेंट में करके जरूर बताएं, सो दैट हम अपनी लास्ट वीडियो जो होगी नरेशन के टॉपिक की उसमें उसको कवर करें. वीडियो देखने के लिए थैंक यू. वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें.